रात, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट वो किसी ना किसी के हवस की आग को बुझाती। वो अंधेरे में सिसकती रहती, लेकिन उनके हिस्से में कागज के नोट तक नहीं आते। नौकरी की तलाश ने उन्हें हैवानियत के खेल में इस कदर झोंक दिया कि उसके बाद बाहर आने के सारे रास्ते बंद हो गए। अगर शिमला पुलिस ने पहल नहीं की होती तो इस बात दो जिंदगी और आगे कई जिंदगियां बर्बाद होती रहती। चेहरों तक अगर शिमला पुलिस नहीं पहुंची होती तो शायद हुस्न के मंडी की घिनौनी दास्तां कभी सामने नहीं आ पाती। मूल रूप से वेस्ट बंगाल की ये दो लड़कियां शिमला आई तो अपने पेट और परिवार के खातिर नौकरी की तलाश में थी, लेकिन हुस्न के इन दो दलालों के जाल में ये ऐसे फंसी कि पेट और मजबूरी के खातिर हर पल किसी ना किसी की इन्हें हम बिस्तर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरा महीना बीतने पर था पैसों के नाम पर महज आश्वासन। हजारों रुपए वसूलने वाले इन्हें चंद कागज के नोट देते। वैसे ये कहानी सिर्फ इन दो लड़कियों की नहीं है, इससे पहले हंसराज के जाल में फंसी बाकी लड़कियों की कहानी भी इनसे जुदा नहीं। उस रात भी इन्हें फिर से हवस के भूखे भेड़ियों के आगे परोसा जाना था कि पुलिस को भनक लग गई। दरअसल शिमला के ही कच्ची घाटी में बने इस होटल में 8 ग्राहक पहुंच चुके थे, बाकी का आना अभी बाकी था। हंसराज अपने ग्राहकों के लिए निवाले के तौर पर अभी एक लड़की को लेकर जा ही रहा था कि उसके शिकार में बैठी पुलिस के जाल में वो फंसते फंस ही गया। ये वेस्ट बंगाल के गरीब लड़कियां हैं, तो काम के लिए शिमला आई थी, तो उनके भाटिया नाम के किसी आदमी से कांटेक्ट हुआ। उसने पहले बोला मैं काम दूंगा, वो शिमला आई तो काम के बारे में बताया, भाई देखो यहाँ ज़्यादा नौकरी मिलेगी तो आपको 4-5 हज़ार रुपये, आपको हम ऐसा काम देंगे शायद पर डे आप 4-5 हज़ार रुपये कमाएंगे। तो उन्होंने इस धंधे में उसको धकेल दिया। तो एक तारीख से वो इस काम में लगी थी, उसको एक रुपये भी नहीं मिला अभी तक। और एक छोटे वाली जो लड़की है जिसको हमने सबसे पहले पकड़ा, वो घर जाना चाह रही थी, बार बार यही बोल रही थी। उसको लेडी है जो उसकी भाटिया की वाइफ है, उससे रिक्वेस्ट कर रही थी मैंने घर जाना है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, पर उसको घर नहीं भेज रही। कोई ना कोई बहाना मार के, भाई अभी पैसे नहीं है, आप थोड़े दिन बाद जाओ। एक्चुअली उसको फंसती है इसी चक्कर में, भाई ये लड़कियां तभी जाएगी जब कोई दूसरी लड़कियां हमारे पास आए। वही पुलिस की बदकिस्मती ये रही कि छापेमारी करने से पहले जिस होटल में लड़की को पहुंचाया जाना था वहां से सभी ग्राहक फरार हो चुके थे। वही पुलिस ने होटल के दो कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वही पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि सेक्स रैकेट के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। ये चीज तय हो पाई है कि ये जो कारोबार है लंबे समय से चल रहा था। हाँ, ये अभी हमें ऐसे एविडेंस मिल रही है, काफी टाइम से चल रहा है और अभी ज्यादा डिटेल अभी बता नहीं पाएंगे, अभी इंक्वायरी चल रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को हंसराज के इस सेक्स रैकेट की जानकारी पहले नहीं थी, पुलिस बस वक्त की तलाश में थी। फिलहाल पुलिस ने हंसराज के जाल से दो लड़कियों को आजाद करवा दिया है, साथ ही पुलिस अब आगे की हकीकत जानने में भी जुट चुकी है। आगे का जो हकीकत पुलिस के सामने आई वो हैरानी वाली थी। फिलहाल पुलिस की जांच टीम इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। आगे जो भी हकीकत आएगी वो कहीं ना कहीं सबको हैरान करती जाएगी और साथ ही इस धंधे की हकीकत भी सामने आती जाएगी। अपने सहयोगी भावना शर्मा के साथ संजीव शर्मा, शिमला सिटी जनरल। होशियार रहिए, सावधान रहिए, जब तहकीकात कह रहा है कम से कम खबरदार तो जरूर रहिए। ये मत सोचिएगा उनके निशाने पर आप नहीं हो सकते। बंद रखिएगा अपने घर का दरवाजा। तहकीकात अपील करता है आपसे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको परेशान जरूर करता है। आप हमें बताएं, हम उससे परेशान करेंगे। तो तहकीकात में आज बस इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे जुन के एक नई कड़ी के साथ। तब तक आप नजर बनाए रखें 19 सालों से हिमाचल की नंबर 1 आवाज पर।
मतलब बिल्कुल साफ है सिटी चैनल पर, तब तक आप नजर बनाए रखें। आपको मेरा हमेशा की तरह